हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th की। एनसीईआरटी बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है और इस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो टर्म है उनकी बात करेंगे। ओके, तो जैसे इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टर्म है, फादर ऑफ आयुर्वेदा। तो फादर ऑफ आयुर्वेदा कौन है? चरक। बस इतना याद रखिए इसमें, फादर ऑफ आयुर्वेदा कौन है? चरक। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओके, आगे देखिए। अब यहां बात करें कि अरिस्टोटल, अरिस्टोटल या अरस्तु को हम मानते हैं क्या? अरस्तु को मानते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। तो आगे देखिए, थियोफ्रेस्टस को हम क्या मानते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन हुए? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ जूलॉजी कौन हुए? अरस्तु, एरिस्टोटल। ओके, और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन होंगे? अरस्तु। ओके, प्लिनी एल्डर ने क्या बताया? या लिनी एल्डर ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन हिज बुक हिस्टोरिया नेचुरलिस। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया? लिनी एल्डर ने दिया। ओके, आगे देखिए, ब्रिटिश नेचुरलिस्ट जॉन रे इन्होंने क्या बताया? इंट्रोड्यूस द टर्म स्पीसीज। ही ऑल्सो मेंशनड अबाउट 18,000 प्लांट एंड एनिमल इन हिज बुक हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, है ना। तो जोहन रे की कौन सी बुक थी? जोहन रे की हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। इसमें लगभग इन्होंने 18,000 प्लांट और एनिमल्स की बात करी थी। ओके, आगे देखिए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी वॉज कैरीड आउट बाय द कैरोलस लिनियस। जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है, सबसे सिग्निफिकेंट वर्क माना जाता है, कैरोलस लिनियस का माना जाता है। He was a Swedish naturalist. For his contribution, he is regarded as the father of taxonomy. तो father of taxonomy कौन हुए? Carl Linnaeus। यही important term है इसमें। Okay? इनकी एक book थी In his treatise Species Plantarum, और दूसरी book इनकी कौन थी? एक थी Species Plantarum, किसकी book है? Carolus Linnaeus की, और दूसरी Systema Naturae। ओके, सिस्टेमा नेचुरी एंड जेनरा सॉरी स्पीसीज प्लांटेरम किसने लिखी? कैरोलस लिनियस ने लिखी। ओके, बस एक और आगे इसमें टर्म देख लीजिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। ओके, और ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या नोमेनक्लेचर किसने दिया? हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन का टाइप आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लिनी एल्डर ने सबसे पहली बार दिया था। व्हेन वी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द वन और टू कैरेक्टर्स ओनली। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को एक या दो कैरेक्टर के ऊपर अगर हम डिपेंड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? देन इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द लिनी एल्डर। किसने दिया था? लिनी एल्डर ने दिया था। हु क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिट एंड हैबिटेट। इन्होंने किस पे डिफाइन किया, किससे क्लासिफाई किया? ओनली दो कैरेक्टर लिए, हैबिट एंड हैबिटेट पे लिए। ओके, इट इज़ ए नॉट परफेक्ट एंड फाइलोजेनेटिकली कन्वीनियंट। और ये क्या था, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं था। इफ़ वी क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लाइंग कैरेक्टर देन वी वुड हैव इंसेक्ट बर्ड्स एंड बैट्स इन द सेम ग्रुप बट फाइलोजेनेटिकली दे हैव नो क्लोज रिलेशनशिप। अगर हम आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगर हम उड़ने के ऊपर ले लेते हैं कि हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, अगर मान लीजिए उड़ने फ्लाइंग कैरेक्टर एक ले लेते हैं तो इंसेक्ट भी उड़ता है, बर्ड भी उड़ता है, बैट भी उड़ता है। लेकिन मान लो फिनोटिपिकली तो ये इनका जो फ्लाइंग कैरेक्टर है उसके हिसाब से तो ये एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, चलो ठीक है। लेकिन फाइलोजेनेटिकली अगर रिलेशनशिप देखें तो ये नहीं, एक दूसरे से तनिक भी रिलेशनशिप नहीं शो करते हैं। ओके,
तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहा। ओके आगे देखते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या नेचुरल क्लासिफिकेशन। इफ वी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देन सच अ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड नेचुरल क्लासिफिकेशन। अगर हम ऑर्गेनिज्म को कई सारे कैरेक्टर के बेसिस पे अगर उनको हम क्लासिफाई करें, क्लासिफिकेशन उनका करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट कंसीडर्स ऑल द पॉसिबल कैरेक्टर एंड कंपेयर देम टू ब्रिंग आउट नेचुरल सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। उनकी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कंसिडरेशन ऑफ द मैनी कैरेक्टर साइमल्टेनियसली इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देयर फोर अ मोर नेचुरल रिलेशन अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन बी ट्रेस्ड आउट। ओके तो बस इतना ही याद रखिए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसके आगे हम देखते हैं तीसरा क्लासिफिकेशन था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या क्लैडिस्टिक्स कहते हैं इसको, है ना। A kind of classification that is based on the phylogenetic relationship of the organism is called phylogenetic classification. When such phylogeny is based on the shared derived character, it is called cladistic. The classification of the organism is made by keeping in mind its evolutionary history, phylogeny to establish similarity and closeness. Between two groups such as classification, such a classification is called as phylogenetic classification. जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को हम मान लीजिए इस समय कोई ऑर्गेनिज्म एक है, ऑर्गेनिज्म नंबर वन है मान लीजिए, और इसकी जो पुराने फॉसिल्स हैं या इनके हम एंसेस्टर की बात करें, फॉसिल्स की बात करें या एंसेस्टर की बात करें। अब एंसेस्टर में कैरेक्टर को देखें, डीएनए का फ्रेगमेंट देखें, डीएनए का सीक्वेंस देखें और इसके बीच में क्लासिफिकेशन, इसके बीच में सीक्वेंस देखें डीएनए का। जब हम जेनेटिकली रिलेट करते हैं दो ऑर्गेनिज्म को, एक प्रेजेंट टाइम में जो है और एक एंसेस्टर उसके में, उसका एंसेस्टर में, तब उसे हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ओके अब देख लिए, एक टर्म और आता है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फाइलोजेनी क्या है, तो यही फाइलोजेनी है जो हमने अभी बताया है। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज द स्पीसीज। क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट कौन सी होगी, स्पीसीज होगी। स्पीसीज इज द नॉट स्टैटिक, इम्यूटेबल और फिक्स्ड। ये स्टैटिक नहीं है या फिक्स नहीं है, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंटिटी, एक ये चेंज होती रहती है। जेनेटिक वेरिएशन एनवायरमेंटल इफेक्ट ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर काज द ड्रिफ्ट इन दिस स्पीसीज स्ट्रक्चर विच देन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। ऐसे जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं जो बहुत पुराने समय में देखा गया है ना, बहुत पुराने समय में देखा गया, लेकिन बहुत हजारों वर्ष बीत गए है ना, हजारों वर्ष बीत गए, मिलियंस ऑफ ईयर्स बीत गए। अब उनमें धीरे धीरे क्या हुआ, जेनेटिक चेंजेस आ गए, धीरे धीरे चेंजेस आ गए, जिसे हम क्या कहेंगे, वेरिएशन आ गए। ओके अब वेरिएशन आ गए, उसके बाद क्या, विच देन, अब जब वेरिएशन आएगा तो नई स्पीसीज बनेगी, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। ओके दिस ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड इवोल्यूशन। और इस ग्रेजुअल चेंजेस को, मतलब ये ग्रेजुअल चेंज है, धीरे धीरे चेंज हुआ, इस चेंज को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अगर हम देखें, किसी स्पीसीज की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखें, उसके या उसके ग्रुप को देखें, तब उसे हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनी। समझ गए, मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में कोई एक स्पीसीज है और इस मिलियंस ऑफ ईयर एगो इसी की स्पीसीज को या वही उसी स्पीसीज के कैरेक्टर को अगर हम देखें और दोनों को रिलेट करें, तब उसे हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनी। ओके
अब हम देख लेते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन से हायरार्की देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही हम बात करेंगे। ओके, तो जैसे अगर हम किसी अगर ह्यूमन बीइंग की एक हम क्लासिफिकेशन करके देखते हैं तो सबसे पहले आता है किंगडम। ओके, ये हो गई हायरार्की और ये हो गया एग्जाम्पल। किंगडम एनिमेलिया, हम लोग एनिमल हैं। फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेट हम लोग। क्लास कौन से आएगा, मैमेलिया आएगा। ऑर्डर कौन सा आएगा, प्राइमेटा आएगा। फैमिली कौन सी आएगी, होमिनिडी आएगी। जीनस कौन सी आएगी, होमो सेपियंस होमो आएगा। और स्पीसीज कौन सी आएगी, सेपियंस आएगा। तो ये क्या होती है, हायरार्की होती है। ओके, एक स्टेप वाइज हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, किंगडम, उसके बाद फाइलम, फिर क्या पहले आएगा के, फिर पी, फिर सी, ओ, एफ, है ना, जी एंड एस। ओके, तो इसका क्या हुआ, किंगडम आ गया सबसे पहले, किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली क्या है हम लोगों की, होमिनिडी, जीनस। ओके, और लास्ट में सबसे क्या आता है, स्पीसीज आती है। ओके, और ये जीनस स्पीसीज का जो टर्म होता है इसी हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें आती हैं इसमें। जैसे सबसे पहले आती है स्पीसीज। स्पीसीज क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन अ जीनस दैट इंटरब्रीड फ्रीली एंड रैंडमली। किसी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम देखें जो क्या कर सके, इंटरब्रीड कर सके, फ्रीली और रैंडमली इंटरब्रीड कर सके। ओके, अंडर नेचुरल कंडीशन बट डू नॉट इंटरब्रीड द मेंबर ऑफ द अदर ग्रुप। लेकिन वो दूसरे मेंबर से क्या ना कर पाए, इंटरब्रीड ना कर पाए, वो अपनी ही जाति के लोगों से स्पीसीज से क्या कर पाए, इंटरब्रीड कर पाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। ओके, आगे देखिए जीनस क्या होता है। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल जैसे पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, है ना, बट ऑल बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। ये सभी क्या है, जीनस, इनका मतलब जीनस क्या होता है, ये जीनस हो गया। तो जीनस जैसे हम बात करें आलू की तो सोलेनम ट्यूबरेसम हो गया, मकोई की बात करें तो सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, सॉरी सोलेनम नाइग्रम हो गया। तो इसी तरह मतलब क्या होता है, चेंज होती रहते हैं। अब जैसे लेपर्ड का देखें, लेपर्ड का, है ना, तो लेपर्ड का क्या हो गया, पैंथेरा। लायन का क्या हो गया, पैंथेरा लियो हो गया। लेपर्ड का क्या है, पैंथेरा पार्डस हो गया। टाइगर का क्या हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस हो गया। तो ये क्या है, जीनस सेम है, बस स्पीसीज बदली हुई है इनकी। ओके, अब फैमिली की बात करते हैं। फैमिली इज द नेक्स्ट अपर लेवल। ये क्या है, नेक्स्ट अपर लेवल है। इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज और जेनरा, रिलेटेड जेनरा होते हैं, विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू द जीनस एंड स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल थ्री जेनरा जैसे हो गया, सोलेनम हो गया, पेटोनिया हो गया एंड धतूरा हो गया, ये एक ही फैमिली सोलोनेसी में रखे गए हैं। ओके, लेकिन हम इनके जीनस क्या हैं, अलग अलग हैं। जैसे इसका सोलेनम हो गया, ये पेटोनिया हो गया, ये धतूरा हो गया, लेकिन इनकी फैमिली क्या है, सोलोनेसी। ओके, अब हम ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज अ हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। क्या है, हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इट इज एन असेंबलेज ऑफ वेरियस क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। जब बहुत सारी क्लोजली रिलेटेड इस जो फैमिलीज होती हैं, जब उनको हम इकट्ठा करते हैं तब उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल मिलेंगे फैमिली, जैसे कॉन्वो लुएलेसी या सोलोनेसी, इंक्लूडेड इन द सेम ऑर्डर, जैसे पॉलीमोनियल्स। सिमिलरली द कार्निवोरा इंक्लूड द फैमिली लाइक फेलेडी एंड कैंसिडी। ओके, तो फेलेडी कैंसिडी क्या है, मतलब एक कार्निवोरा ऑर्डर हो गया, लेकिन इस ऑर्डर के अंडर में कौन कौन सी दो फैमिली आ रही है। अब हम क्लास देखते हैं, क्लास कौन कौन सी आती है।
दिस कैटेगरी इंक्लूड मैनी क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर। अब देखिए हम लोग सीक्वेंस से चल रहे हैं, जैसे कोई स्पीसीज आ गई तो स्पीसीज एकदम डिफरेंट होती हैं, इंटरब्रीड कर सकती हैं एक दूसरे से, लेकिन वो दूसरे किसी जीनस से नहीं कर सकती। एक जीनस की कई सारी स्पीसीज होती हैं, एक फैमिली में कई सारे जीनस होते हैं, एक ऑर्डर में कई सारी फैमिली आती हैं और एक क्लास में कई सारे ऑर्डर आते हैं। ओके, अब क्लास क्या है? इट इज इंक्लूड मैनी क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर, इसमें कई क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं। विच हैव सिमिलर कैरेक्टर, उनके पास क्या हो, सिमिलर कैरेक्टर्स हो। जैसे ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग, जैसे ऑर्डर प्राइमेटा की बात करें तो इसमें मैन भी आता है, चिंपैंजी भी आता, मंकी भी आता, गोरिल्ला भी आता एंड गिब्बन भी आता, और ये सेम ही क्लास में रखे गए हैं किसमें, मैमेलिया अलोंग विद द ऑर्डर कॉर्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल लाइक टाइगर डॉग एंड कैट एंड डॉग। तो ये क्या होगा, प्राइमेटा में कौन कौन से आ गए, डॉग भी आ रही, कैट भी आ रही एंड टाइगर भी आ रहा है, समझ गए। तो ये हमने बात कर ली क्या, एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कैसे हम क्लासीफाई किए हैं, और कई चीज़ों को हम लोगों ने छोड़ दिया है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों की हम बात कर रहे हैं इसमें। ओके, थैंक यू।